आपके साथ कितना स्कैम हुआ? मेरे साथ स्कैम जो हुआ उसकी मालियत है 7 लाख रुपए। आपके साथ कितना फ्रॉड हुआ? मेरे साथ 3.5 लाख का फ्रॉड हुआ है जी। इमाम मस्जिद हूँ मैंने जी, मैंने कमेटियों को डाली हुई थी 1000 रुपया करके, तो मैंने 3.5 लाख रुपए जमा किए, फिर मैंने इस कंपनी में लगा दिए। आपके साथ कितने लाख का फ्रॉड हुआ? हमारे साथ, हम 6 दोस्त हैं, हम 6 दोस्तों के साथ 61 लाख रुपए का जो ना फ्रॉड हुआ, वही जो जिंदगी की जमा पूंजी प्लाट बेच के सारी और हज के लिए जो जोड़ी थी वो सारी इनको दे दी। मेरे साथ कोई 14 लाख का एक एग्रीमेंट था और 17.5 लाख का एक एग्रीमेंट था, 45,000 चूजे का। मेरे साथ 10.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ और मेरे साथ जो दोस्त है उनका मिला के तकरीबन 4 करोड़ रुपए का ये टोटल फ्रॉड हुआ। 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड इनके साथ हुआ। और इस तरह के टोटल जो लोग हैं 15 से 20 हजार हैं, फ्रॉड की टोटल मालियत 8,000 करोड़ रुपए बनती है। आपका इन चेक्स के बारे में क्या मौकिफ है? स्टेट बैंक की क्रेडिबिलिटी पे ये बात उठती है कि आप बताएं, आप सोए हुए थे कि एक बैंक अकाउंट लेस वो चेक बुक्स बनाई जा रहा है और चेक्स दिए जा रहा है। किसी ने जेवर बेचा है, किसी ने माँ को हज करवाना था, किसी ने बीवी के जेवरात को बेचा है, किसी ने अपनी कंपनी में दोस्तों से उधार पैसे लिए, किसी ने कमेटियां डाली थी, किसी ने कर्जा लिया था। इन तमाम लोगों के ये सवाल चीख चीख कर ईमान के इक्तदार में बैठे हुए लोगों से सवाल कर रहे हैं कि इनका क्या कसूर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड जिसमें 15 से 18 हजार मुतासरीन शामिल हैं। ये सादा लोग जो आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके जो आप चेक्स देख सकते हैं, ये तकरीबन 80 अरब रुपए के करीब चेक्स बनते हैं, जिसको दूसरे लफ्जों में 8,000 करोड़ रुपए कहा जाता है। इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं ये 10 से 15 हैं। इनके साथ फ्रॉड की मालियत जो है वो 3 से 3.5 करोड़ रुपए है। टोटल तादाद जो है वो 15 से 20 हजार है, जिन्होंने चंद दिन पहले नैब लाहौर के सामने एहतजाज भी किया। डबल शाह के बाद ये पाकिस्तान की तारीख का डबल शाह से भी बड़ा प्रो डबल शाह स्कैम है, जिसमें कंपनी 3.5 लाख रुपए सादा लू शहरी या इन्वेस्टर से लेती थी, उसको 5,000 चूजे फराहम करती थी, 40 दिन के बाद इन्वेस्टर वो चूजे कंपनी को वापस फराहम करता था, उसको 3.5 लाख के इवज 1,25,000 मंथली प्रॉफिट दिया जाता था। अगर 5,000 चूजों पर 25 रुपए फी चूजा प्रॉफिट हो तो ये रकम 1.25 लाख यानी 1,25,000 रुपए बनती है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें आप 3.5 लाख रुपए लगाएं और 1 महीने के बाद आपको 1,25,000 रुपए मिल जाए। इसी कंपनी में जो दूसरा फ्रॉड हुआ वो ऑयल और डीजल की सूरत में हुआ, जिसमें 3.5 लाख रुपया ही आप इन्वेस्टर या शहरी से लिया करते थे और उसको 1 लीटर डीजल के इवज 50 पैसे प्रॉफिट दिया करते थे। 3.5 लाख रुपए का 3300 लीटर डीजल आता था, 50 पैसे फी लीटर प्रॉफिट के हिसाब से 1650 रुपए डेली इन्वेस्टर को दिए जाते थे। ये इन्वेस्टर्स को पैसे 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन और 2 माह दिए गए और 2 माह के बाद जब ये तमाम लोग अपने पैसे लेने के लिए इस कंपनी के दफातर के सामने आए तो दफातर बंद थे, कंपनी बंद थी, नंबर्स बंद थे, तमाम लोग रूपोश हो चुके थे। SECP से ये कंपनी रजिस्टर्ड थी, हमने SECP से भी उनका मौकिफ लिया तो उनका कहना था कोई भी कंपनी जो SECP से रजिस्टर्ड है वो मैसेज में लोगों की इन्वेस्टमेंट लेकर लोगों को प्रॉफिट फराहम नहीं कर सकती। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां बेची, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी बीवियों के, माओ के जेवरात बेचकर इस कंपनी में इन्वेस्ट किए और इन्वेस्टमेंट टोटल 80 अरब रुपए बनती है। 15 से 20 हजार लोग बराह रास्त इससे मुतासिर हुए हैं। ये किस तरीके से स्कैम हुआ और आपके साथ कितना स्कैम हुआ? मेरे साथ स्कैम जो हुआ उसकी मालियत है 7 लाख रुपए। कंपनी का नाम है न्यू लसानी चिक्स एंड चिकन, जिनके ओनर का नाम है खुबैब साकी गुजर। मैं इनको सोशल मीडिया से जानता था क्योंकि मैंने इनकी बहुत वाह वाह देखी थी, बड़े बड़े हुकूमती बंदों के साथ इनकी वीडियोस तस्वीरें देखना, जिसकी वजह से मेरा इन पे ट्रस्ट जो है ना करना बनता था। मेरे साथ चूजे वाली लॉट में फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड हुआ किस तरह, क्या आपकी उनके साथ शिकायत तय पाई गई? 3.5 लाख के एवज कंपनी 5,000 चूजा देती थी, मैंने 5,000 चूजा इस तरह बुक करवाया कि उन्होंने हमें कहा कि हम आपसे 3.5 लाख रुपया लेके 5,000 चूजा देंगे आपको, जिसका मंथली प्रॉफिट जो है पर चूजा आप अगर 40 दिन पालते हैं, फार्म आपका होगा, फीड हमारी होगी, मेडिसिन हमारी होगी, जबकि फार्मिंग में सबसे ज्यादा खर्चा फीड का होता है। उनका फीड हमारी, मेडिसिन हमारी, आपने सिर्फ उसको पालना है। पालने के एवज वो हमें 1 चूजे के 25 रुपए प्रॉफिट देते थे। इसको जेन में रखते हुए
मैंने इसको डबल कर लिया था कि मेरी इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपया है। तो साढ़े तीन लाख की आपने 2 इन्वेस्टमेंट कर ली और 10,000 चूजे लिए। जी जी, मेरे पास चेक मौजूद है इस कंपनी का, क्योंकि ये स्टाम्प करते थे, चेक देते थे, बकायदा इनकी स्टैंप थी। लाहौर में इनका हेड ऑफिस है सदीक ट्रेड सेंटर में। जब भी ऑफिस जाना है लाखों की तादाद में लोगों ने उधर बैठा होना, डेली उधर एग्रीमेंट होने, स्टाम होना। आपको कितना प्रॉफिट मिला? मुझे इस कंपनी में 7 लाख इन्वेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपया मिला। 5,000 चूजे इनको दिए गए, 40 दिन इन्होंने पाल कर कंपनी को वापस करने थे, और एक चूजे का 25 रुपए मिलना था, और 5,000 चूजों का 1,25,000। लेकिन इनको जो चूजे फराहम किए गए वो कितने थे, वो भी हम इनसे पूछते हैं। आपको 5,000 चूजे दिए गए? नहीं जी, 5,000 चूजे का अगर एग्रीमेंट आप करते हैं तो ये कंपनी आपको 1,000 चूजा देती थी। पहली मिसकमिटमेंट तो यही कर दी कि 5,000 चूजे देंगे, लेकिन 5 नहीं देते थे, 1,000 या 1,500 देते थे। एक चूजे के एवज आपको 25 रुपए देने थे, तो दिए कितने गए? इन्होंने एक चूजे के एवज 25 रुपए तय करके एक चूजे का 15 रुपए प्रॉफिट देते रहे हैं। ये दूसरी मिसकमिटमेंट कर दी जी। जो फीड और मेडिसिन, ये स्टाम्प पेपर पर भी लिखा हुआ है कि कंपनी इस चीज की मजाज है कि वो इन्वेस्टर को ये तमाम चीजें फराहम करेगी, वो फराहम की गई फीड, खुराक, मेडिसिन, डॉक्टर। शुरू में इन्होंने फीड फराहम की है, लेकिन जब चूजा हमारे पास आ गया, अब चूजे को हम भूखा तो नहीं मार सकते, अगले दिन से इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप फीड आप अपनी खरीदें। जी, ये तीसरी मिसकमिटमेंट भी हो गई। आपके साथ कितना फ्रॉड हुआ? मेरे साथ 3.5 लाख का फ्रॉड हुआ है जी। इमाम मस्जिद हूँ मैंने जी, मैंने कमेटियाँ कोई डाली हुई थी 1,000 रुपया करके, तो मैंने 3.5 लाख रुपए जमा किए और फिर मैंने इस कंपनी में लगा दिए। आपको कितने चूजे दिए गए? मैं जी 1,500 चूजा दिया गया जी पहले, और एक चूजे का 25 रुपए प्रॉफिट रखा गया। आपको कितना प्रॉफिट दिया गया स्टार्ट में? हमें स्टार्ट में तो 25 रुपए का प्रॉफिट दिया गया, जब कंपनी भागने लगी तो उससे पहले उन्होंने 15 रुपए का प्रॉफिट कर दिया। मेडिसिन और फीड, शुरू मैंने मेडिसिन हमें भी दी, उसके बाद चूजा फिर गालबन भूखा रह सकता था तो मर सकता था, उसकी वजह से तो हमें फिर फीड खरीदनी पड़ी। 3.5 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की, और जिस शेड में आपने उन चूजों को रखना था वो शेड भी आपने को रेंट आउट किया होगा? वो शेड हमने रेंट आउट किया था, वो तकरीबन वो हमारा 6 माह का उसके साथ मुआहदा हुआ था और 20,000 रुपए उसका रेंट था जी। कुछ लेबर भी रखी होगी? लेबर भी रखी, 2 मुलाजम हमने रखे थे और 1 मुलाजम की 20,000 तनख्वाह थी। यानी इनका 40 से 50,000 रुपए शेड पर भी खर्चा आने लगा, और 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ था, वो भी पैसों का लॉस अल्टीमेटली इन्हीं को हो रहा था। 3 लाख रुपए आपने दिया कैसे था? मैं इमाम मस्जिद हूँ तो मैंने 1,000 रुपया करके तकरीबन कमेटियां डाली हुई थी, कुछ वो पैसे इकट्ठे किए तो पता चला कि ये जी बिजनेस हो रहा है। मैंने कहा कि चलो बिजनेस में डाल देते हैं, 2 माह बाद पैसे हमारे कोई आ जाएंगे। तो फिर मैंने वालदा को साथ लेके उमरे पे जाना था जी। आपके साथ कितने लाख का फ्रॉड हुआ? हमारे साथ, हम 6 दोस्त हैं, हम 6 दोस्तों के साथ 61 लाख रुपए का जो ना फ्रॉड हुआ। चूजों वाला फ्रॉड हुआ है या ऑयल वाला हुआ? वाला फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। आपके साथ भी यही सेम स्टोरी हुई जो इनके साथ हुई है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टोरी है जी। ऐसे ही इन्होंने 1 माह प्रॉफिट दिया, उसके बाद ना फीड दी है, ना मेडिसिन दी है, और ना कुछ चीज दी, और दफ्तर बंद करके चले गए। कितने पैसे आपने इकट्ठे किए थे और कैसे दिए थे? हमने ये 6 दोस्तों ने हज पे इज्तिमाई तौर पर हमने अप्लाई किया था, हज के पैसे बचे थे, बस एक दोस्त आ गया, उसने मशवरा दिया कि यार ये अच्छी चीज है, हज से पहले पहले आप लोगों के पैसे भी निकल आएंगे और कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा। वही जो जिंदगी की जमा पूंजी प्लाट बेच के सारी और हज के लिए जो जोड़ी थी वो सारी इनको दे दी। आपके साथ सर कितने लाख का ये फ्रॉड है? मेरे साथ कोई 14 लाख का एक एग्रीमेंट था और 17.5 लाख का एक एग्रीमेंट था, 45,000 चूजे का। आपके साथ? मेरे साथ 10.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, और मेरे साथ जो दोस्त है उनका मिला के तकरीबन 4 करोड़ रुपए का ये टोटल फ्रॉड हुआ है। आप इन्वेस्टर ऑयल में थे? जी, ऑयल में भी थे और चूजों में भी थे। ऑयल का जो फ्रॉड है वो किस तरह होता था, मुख्तसरन बता दें। ये कहते हैं कि 50 पैसे के हिसाब से हम आपको डेली 1600 कुछ रुपए आपके अकाउंट में डिलीवर किया करेंगे। शुरू में ऐसा हुआ कि डेली बेस पे पैसे आना शुरू हुए, 1 माह आते रहे, अगले महीने उन्होंने कहा कि आपको 15 दिन के बाद इकट्ठे पैसे आया करेंगे, फिर 15 दिन के बाद उन्होंने बोला 1 माह के बाद इकट्ठे पैसे आएंगे। जब 1 माह के बाद लोग इकट्ठे होकर गए कि पैसे अभी तक नहीं आए, तो वहाँ से पता चला कि जी ऑफिस तो बंद हो चुका। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 10.5 लाख थी और मेरे दोस्तों की सबकी मिला के तकरीबन 4 करोड़ है। 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड इनके साथ हुआ, और इस तरह के टोटल जो लोग हैं 15 से 20,000 हैं। फ्रॉड की टोटल मालियत 8,000 करोड़ रुपए बनती है। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, हम आर्मी चीफ और ये जो CM पंजाब है इनसे मुतालबा करते हैं कि आपकी नाक के नीचे लाहौर शहर में बैठ के इतना बड़ा फ्रॉड कर गया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। मेरी और मेरी वालदा की 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है। मेरी वालदा ने जेवर बेचा था अपना,
SECP जो कि कंपनीज को बिजनेस के लिए रजिस्टर्ड करती है, उनका मौकिफ ये है कि कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है SECP में तो उसका एक डेकोरम है, मैसेज में लोगों से इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकती और उनको प्रॉफिट नहीं दे सकती, झांसा नहीं दे सकती, उनको धोखादही के जरिए से, लालच के जरिए से अपना नहीं बना सकती और इतना बड़ा स्कैम नहीं कर सकती। आपका इन चेक्स के बारे में क्या मौकिफ है? स्टेट बैंक की क्रेडिबिलिटी पे ये बात उठती है कि आप बताएं, आप सोए हुए थे कि एक बैंक अकाउंट लेस वो चेक बुक्स बनाई जा रहा है और चेक्स दिए जा रहा है, आपको कह रहा है कि मुझे और चेक बुक दो, और चेक बुक दो, और चेक बुक दो, तो आप सोए हुए थे, आपने नहीं पूछा कि एक भी चेक हमारे पास रिटर्न नहीं आया अभी तक। बैंक की क्रेडिबिलिटी पे भी ये सवाल उठता है कि आप हमें बताएं कि आपने इतने चेक उनको दिए क्यों, आपने स्टेट बैंक से पूछा था या स्टेट बैंक ने आपसे पूछा है, इसके ऊपर तहकीक करने की कोशिश की कि ये चेक कहाँ जा रहे हैं। तो ये सिर्फ अनीस साहब को मेरा, उनको भी ये मेरा पैगाम है, खुसूसन इमरान खान साहब को, अगर पीछे के दौरों में भी हम लुटते रहे हैं तो इस दौर में भी हम लुट रहे हैं। हम जिस काम में जाते हैं वहाँ ये लोग फ्रॉडिये बनकर बैठे हैं, यहाँ से निकल जाते हैं और बाहर जाके पनाह ले लेते हैं और उसके बाद मासूमाना अंदाज में कहते हैं कि नहीं नहीं परेशान नहीं हो, हमें इदारे तंग कर रहे हैं, इस वजह से हम चले गए। हमें तो ऑनर हैं वो पाकिस्तान में ही हैं इस कंपनी के, जहाँ तक शवाहिद मिलते हैं वो यहाँ पे नहीं है, अगर वो यहाँ पे होते तो उन्हें आना चाहिए था। SECP ने 51 कंपनीज को नोटिस दिया और हाईलाइट अगर किसी को किया है ना तो वो लसानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। लसानी भागी नहीं है, लसानी को भगाया गया है एक माफियाज के कहने पे। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम दोबारा बहाल भी होंगे और हम दोबारा काम करके भी दिखाएंगे। इससे पहले इतनी कंपनियां जो सालों साल से काम कर रही है उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स थे? मैंने लोगों को रोजगार फराहम शुरू करना किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कुछ साल पहले कुछ अल्फाज कहे थे मिस्री गोल्डन चूजे के हवाले से, उन्होंने कहे थे और मैंने करके दिखाए, मेरा ये कसूर है? बड़ी बड़ी सतह पे बैठ के ये प्लानिंगें होती रही हैं, अगर लसानी बंद नहीं होती इस बंदे को मरवा दो, तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इस तगोदो में रहूंगा कि मैं सिस्टम को दोबारा बहाल करके दिखाऊं। इनके पैसे इनको वापस मिलने चाहिए, किसी ने जेवर बेचा है, किसी ने माँ को हज करवाना था, किसी ने बीवी के जेवरात को बेचा है, किसी ने अपनी कंपनी में दोस्तों से उधार पैसे लिए, किसी ने कमेटियां डाली थी, किसी ने कर्जा लिया था, इन तमाम लोगों के ये सवाल चीख चीख कर ईमान के इक्तदार में बैठे हुए लोगों से सवाल कर रहे हैं कि इनका क्या कसूर है। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।